जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 3115 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है या फिर रीड करना है तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी रिटर्न में यहां पर आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 26 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म को भर सकते हैं, किस डिवीजन के लिए कितनी वैकेंसी है, वो सब जानकारी आपको दी गई है। एंड आप यहां पर सेम जानकारी वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। एंड आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल में जानने को मिल जाएगी। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, उसके लिए आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को चेक करेंगे। चेक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड फर्दर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहां पर दोस्तों आता है ट्रेड इंफॉर्मेशन, तो आप कौन सी ट्रेड पर अप्लाई करना चाहते हैं वही ट्रेड आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन आप यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां पर आपको इन दोनों चीजों को वेरीफाई करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपका जो नाम है वो नाम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर एंटर करना है। फिर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। देन आपको आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। फिर आपको कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यू आर यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहां पर ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहां पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड नंबर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन चीजों में से किसी भी एक से आप बिलोंग करते हैं, अगर हां तो आपको यहां पर वही सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको नन कर देना है। ईमेल आईडी आपकी जो भी है आपको वैलिड ईमेल आईडी यहां पर अपनी एंटर कर देनी है। ये ईमेल आईडी आपकी इसलिए वैलिड होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपको लॉगिन की इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके यहां पर वेरीफाई कर देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके नजदीक का रेलवे स्टेशन कौन सा है उसका नाम आपको यहां पर लिख देना है। फिर आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन कैपिटल लेटर, यानी कि आपको आपका पूरा एड्रेस यहां पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर यहां पर आपको जो आपकी लोकेलिटी है वो भी आपको एंटर कर देनी, एक पूरा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग एड्रेस यहां पर आपको देना होगा। सिटी, टाउन, विलेज आपका कौन सा है वो आप यहां पर लिख दीजिए, जो भी आपको आपका इनमें से लगता है। स्टेट यहां से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो भी एंटर करेंगे। चलिए हम यहां पर पोस्ट ऑफिस लिख देते हैं। देन यहां पर आपको आपका पिन कोड एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी के प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे। देन यहां पर नीचे आइए और आपको यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो 8th क्लास में यहां पर पूछा है 8th क्लास ऑब्टेंड मार्क्स, कितने नंबर आपको 8वीं के अंदर आए थे वो आपको यहां पर लिखना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए नंबर लिख करके दिखा रहा हूं। 8th क्लास मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने थे मैक्सिमम, तो वो आपको यहां पर लिख देना है। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और ईयर ऑफ पासिंग आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना कि कौन से ईयर के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा 10th की जानकारी, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास 8वीं की जानकारी नहीं है तो यहां पर भी आप 10th की जानकारी ही दे दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी है फिल करने। इसमें अगर आप इनको फिल नहीं करेंगे, 00 लिखेंगे तो ये जो है आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद आती है क्लास 10th क्लास इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको मैट्रिक की जानकारी देनी है। तो 10th का आपका रोल नंबर क्या था पहले तो आपको वो एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपका इनमें से कौन सा बोर्ड है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं मिलता तो आप अदर्स भी कर सकते हैं, यानी कि अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको एंटर करने होंगे। तो चलिए यहाँ से हम इनको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में
यहाँ पर आता है मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स एंटर कर देने हैं और फिर यहाँ से आपकी जो परसेंटेज है वो आ जाएगी और पासिंग ईयर भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आई टी आई की इन्फॉर्मेशन, तो आई टी आई सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, नेम ऑफ आई टी आई इंस्टीट्यूट यानी कि किस इंस्टीट्यूट से आपने जो आपकी आई टी आई है वो की थी उसका नाम आपको यहाँ पर देना है, किस साल के अंदर आपने आई टी आई पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लिख करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर वो नंबर लिखने जो कि नंबर आपको आए थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी की यहाँ पर भरेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद क्लिक टू कंटिन्यू ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने इन जानकारी को वेरीफाई करने का सेक्शन आ चुका है, आपको यहाँ पर बोला है कि आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको पहले वाले के ऊपर टिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन आप यहां से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आप यहां पर क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है वो यहां पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है, ये सिक्योरिटी की यहां पर डालनी है और लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपके नीचे रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है और ऊपर है क्लिक हियर टू फिल यूनिट प्रेफरेंस, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर सेट फॉर यूनिट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करके पहले यूनिट आपको आपका आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो आप सिलेक्ट कीजिए, सेकंड आप किसको देना चाहते हो आप सिलेक्ट कर लीजिए, थर्ड प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हो सिलेक्ट कर लीजिए, फोर्थ किसको देना चाहते हैं, फिफ्थ किसको देना चाहते हैं एंड सिक्स्थ किसको देना चाहते हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहां पर इन प्रेफरेंसेस को आप वेरीफाई करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन यहां पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है, उसके पहले आप जान लीजिए कि फोटो का साइज कितना रखा है। जो आपका फोटो है ये आपका 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 20 से बेसिकली 50 KB के बीच में आपके फोटो का साइज रहना चाहिए एंड जो सिग्नेचर है इसका साइज 10 से 40 KB के बीच में रहना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में फिल कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर आते हैं, इस इमेज को मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है दिए गए साइज के अंदर जिसका साइज 10 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए, तो आपको उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है यानी कि बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। इसमें बोला है कि आपका साइज 10 से 40 KB के बीच में रहना चाहिए, तो जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है दिए गए साइज के अंदर वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं अपलोड 10th मार्कशीट, यहां पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका जो फॉर्मेट है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि पीडीएफ का रखा है यानी कि पीडीएफ के फॉर्मेट में ही ये चीज आप अपलोड कर पाएंगे, तो जहां पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसको सेलेक्ट करें और यहां से ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपकी फाइल का फॉर्मेट यहां पर आ जाएगा, फिर आप यहां पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप यहां पर अलग अलग अपलोड करेंगे, अगर सेम ही है तो दोनों में आप एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, प्रूफ ऑफ एज सर्टिफिकेट, तो सॉरी एज का प्रूफ में आप यहां पर 10th की मार्कशीट ही अपलोड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपकी दी गई है। आईटीआई मार्कशीट आप यहां पर अपलोड कर देंगे सभी सेमेस्टर की मर्ज करके एंड यहां पर आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो आप यहां पर आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। मैं इन सभी सर्टिफिकेट को अपलोड करके आगे का प्रोसेस को दिखाता हूं। अब जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आएगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आरआरसी ईस्टर्न रेलवे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहां से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने प्रीव्यू के बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में फीस को जमा करने का ऑप्शन आएगा। पहले वो फीस जमा करेंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।